नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का स्टेपिंग स्टोन पर स्वागत करता हूं। रिसेंट में वोस्तोक 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है, जो कि रसिया में 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक होगी और इसके अंदर आपके 50,000 से भी ज्यादा सैनिक एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे देश एक साथ मिल करके पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उसी बीच इंडिया के द्वारा कहा गया कि हम इस एक्सरसाइज में आधा ही पार्टिसिपेट करेंगे और आधे के बाद जो है हम इस एक्सरसाइज को छोड़ देंगे। सो आज के डिस्कशन में बेसिकली हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया ने इस प्रकार के स्टेटमेंट्स को क्यों दिया, या इंडिया के द्वारा आधी ही एक्सरसाइज क्यों कंडक्ट की जाएगी, और साथ ही साथ वोस्तोक 2022 एक्सरसाइज क्या है, इसके बारे में हम इनडेप्थ में एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। देखो, रशिया के द्वारा बेसिकली वोस्तोक 2022 की जो ड्रिल है इसके बारे में बताया गया, और ये ड्रिल जो है आपकी 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक होने वाली है, ठीक है। और इस ड्रिल की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो रशिया का ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो है ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है वो होगी। और ऐसा नहीं है कि बेसिकली एक दो देश इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके अंदर काफी सारे देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो चाइना है, इंडिया है, लाओस है, मंगोलिया है, तजाकिस्तान है, निकारागुआ है, सीरिया है, और भी देश जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक्सरसाइज इतनी बड़ी है कि इसके अंदर 50,000 से भी ज्यादा सोल्जर एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे, 5,000 से ज्यादा इसमें जो है आर्म्ड मिलिट्री हार्डवेयर हैं, 140 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, 160 कॉम्बैट शिप्स हैं, गन बोट्स हैं, सपोर्टिंग वेसल्स हैं। तो आप कह सकते हो कि ये बेसिकली आप जमीन पर भी होगी, हवा में भी होगी और समुद्र में भी एक्सरसाइज होगी। ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज है और इसके अंदर जो है बहुत सारे देश एक साथ पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद भी इंडिया के द्वारा बेसिकली कहा गया कि हम इस एक्सरसाइज को आधा ही पार्टिसिपेट करेंगे या आधी एक्सरसाइज कर पाएंगे, क्योंकि उसके पीछे का अगर हम रीजन जानने की कोशिश करें तो देखो, ये रसिया है और रसिया के जैसे कि बताया गया कि जो ये एक्सरसाइज होने वाली है ये इनके ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में होगी। तो जो रसिया है बेसिकली वो 5 भागों में बेसिकली अपने आप को बांटता है। एक ये हो गया इसका ईस्टर्न मिलिट्री वाला डिस्ट्रिक्ट, ये हो गया इसका सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ पर होता है इसका नॉर्दर्न, यहाँ पर आता है इसका वेस्टर्न, और यहाँ पर होता है इसका साउदर्न। तो इस तरीके से खुद को 5 भागों में बांट करके जो है पूरी पूरी मिलिट्री को जो है कंट्रोल करता है, ठीक। तो अब ये वाली जो एक्सरसाइज है वो ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में होने वाली है, जो कि यहाँ पर होगी, ठीक। और उसके साथ साथ ये वाला जो आप ओशन देख रहे, ये सी देख रहे हैं, इसको सी ऑफ जापान कहा जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बेसिकली ये हो गया आपका रसिया, ये हो गया आपका जापान, ठीक। तो जो ये एक्सरसाइज कंडक्ट होगी वो तो लैंड पर होगी, ठीक, और उसके साथ साथ जो सी ऑफ जापान वाला एरिया है वहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट होने वाली है। और ये एक्सरसाइज मैंने बताया कि इसमें एयरक्राफ्ट भी हैं, बोट्स भी हैं, आपके कह सकते हो कि आर्मी भी, सोल्जर्स भी हैं, तो मतलब जमीन में भी होगी, हवा में भी होगी और समुद्र में भी होगी। तो इंडिया ने बेसिकली ये कहा कि हम जो है इसकी जो मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, जो एयर एक्सरसाइज होगी, उसमें तो पार्टिसिपेट करेंगे, जो रसिया का इनविटेशन है उसको भी स्वीकार करेंगे और हम इसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जो इनकी मैरिटाइम एक्सरसाइज होगी हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे या उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। क्योंकि उसको समझने के लिए बेसिकली अगर आप देखें तो देखो, मिलिट्री एक्सरसाइज तो यहां पर हो जाएगी, लेकिन जब मैरिटाइम एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो यहां पर बेसिकली इंडिया को भी अपने नेवल वेसल्स जो है वो यहां पर भेजने पड़ेंगे, ठीक। और ये वाला जो रीजन है वो बेसिकली जापान के जस्ट बाजू में है, इससे जो है जापान के भी सेंटीमेंट्स काफी ज्यादा हर्ट होंगे। सो बेसिकली इंडिया ने क्या किया कि वो बीच की एक रणनीति को अपनाया कि रसिया के इनविटेशन को भी एक्सेप्ट कर लिया और जापान को भी इससे दिक्कत ना हो, इसलिए उसने जो है मैरिटाइम वाली जो एक्सरसाइज है उसे छोड़ दिया, ठीक ना। और साथ ही साथ यहां पर दिक्कत क्या बनेगी कि यहां पर ये एक्सरसाइज 1 से लेकर के 7 सितंबर तक होने वाली है, और वहीं जापान के साथ भारत की जो 2+2 मिनिस्ट्रल डायलॉग होता है वो बेसिकली 8 सितंबर को होने वाला है। तो कहने का मतलब 7 सितंबर तक तो हमारी नेवी यहां पर अगर एक्सरसाइज करती है तो जापान के लोग तो ऑलरेडी इससे नाखुश हो जाएंगे, जापान की सरकार भी नाखुश होगी, क्योंकि जापान का जो है वो रसिया के साथ हमेशा एंटी चलता रहता है यहाँ का कुरील आइलैंड्स को लेकर के, ठीक। और इसी बीच अगर इंडिया ने जो है इस मैरिटाइम एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेशन कर लिया तो उससे होगा क्या, रसिया तो एक तरफ से मान के चलिए खुश होगा, लेकिन जापान के जो लोग हैं इससे काफी ज्यादा हर्ट
फील करेंगे। दैट्स व्हाई इंडिया ने बेसिकली इस मेरिटाइम एक्सरसाइज को पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया। कहने का मतलब आधी एक्सरसाइज में हम पार्टिसिपेट करेंगे और आधी एक्सरसाइज में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक, वहीं अगर बात की जाए कि जो 2+2 डायलॉग होता है ये क्या होता है, तो इसके अंदर बेसिकली जैसे हमारे जो विदेश मंत्री हैं और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, ये दो मिनिस्टर्स होते हैं और उसी जिस कंट्री के साथ हम इस डायलॉग को करते हैं उसके भी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आपस में मिल करके वार्ता करते हैं और फ्यूचर के प्लान को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आखिर भारत कितने देशों के साथ 2+2 वाली डायलॉग की बात करता है, तो यहाँ पर टोटल आपको मिलेंगे 4 देश, जिसमें से क्वाड कंट्रीज आपने सुना होगा, जिसमें से अगर क्वाड कंट्री की हम बात करते हैं तो वहां पर जो है आपको ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, यूएस मिल जाएगा और जापान मिल जाएगा। तो ये 3 देश तो यहाँ पर हो गए और चौथा देश जो है वो है आपका रशिया। तो कहने का मतलब टोटल 4 देशों के साथ इंडिया जो है वो 2+2 डायलॉग करता है। तो अब 8 तारीख को वो डायलॉग यहाँ पर होने वाला है और यहीं पर जो है हमारे जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह और जो हमारे विदेश मंत्री हैं श्री एस जयशंकर प्रसाद, वो यहाँ पर जाएंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए बेसिकली इंडिया के द्वारा कहा गया कि हम जो है आपकी वोस्टोक 2022 वाली ड्रिल में तो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जो मैरीटाइम एक्सरसाइज होगी इसकी उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वहीं चाइना के द्वारा जो है बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया जा रहा है, क्योंकि उसका रीजन जो है मेन ये है कि यहाँ पर देखें तो सेंकाकू आइलैंड दिखेगा जो कि चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है कि ये मेरा है और जापान के द्वारा किया जाता है कि ये मेरा है। तो चाइना का दुश्मन जापान और जापान का दुश्मन रसिया, तो दुश्मन का दुश्मन जो कौन हो जाते हैं, आपस में दोस्त हो जाते हैं। और इन्हीं चीजों को लेकर के जब यहाँ पर मई में क्वाड की मीटिंग चल रही थी तो उस टाइम पे बेसिकली रसिया और चाइना का जो है एक बॉम्बर यहाँ से बेसिकली गुजरता भी है, जिसको लेकर के जापान काफी ज्यादा नर्वस फील करता है। और इसके बाद जापान ने कहा भी बेसिकली कि जो यहाँ पर इस तरीके की वोस्टोक 2022 आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है और जो आपने बॉम्बर गुजार दिए उसके बाद भी अमेरिका का कोई भी इसके प्रतिक्रिया में उत्तर नहीं आया, तो जापान के द्वारा कहा गया कि हम भी बेसिकली 1000 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को जो है वो जापान में डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि हमें अमेरिका पे आप कह लो तो जापान को अमेरिका पे वास्तविकता में भरोसा नहीं है। उसका रीजन क्या है कि यूक्रेन और रशिया का वॉर देख लीजिए, जापान की जो यूक्रेन है वो बेसिकली अमेरिका के प्रोवोकेशन में रशिया से लड़ लिया और अभी देखिए तो पूरा का पूरा यूक्रेन खत्म होने को आ गया, लेकिन फ्रंट पर आकर के यूएसए ने यूक्रेन की मदद नहीं की। तो अब रशिया भी जो है वो जापान से खुन्नस खाए बैठा रहता है और चाइना भी खुन्नस खाए बैठा रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर चाहे तो दोनों मिल करके जब चाहे तब जापान पर अटैक कर सकते हैं। और आने में अब यूएस आता भी है कि नहीं भी आता इसकी कोई श्योरिटी नहीं, क्योंकि यूएस जो है वो न्यूक्लियर वॉर को सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक ना। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो है बेसिकली जापान ने कहा कि हम जो है अपने आप को जो सैन्य रूप से है वो मजबूत करेंगे। अब जापान का ये कहना नहीं है, जब शिंजो आबे की डेथ हुई थी तो उसके बाद जो चाइना के यहाँ के जो बेसिकली आप कहते हैं तो मिलिट्री पर्सन होते हैं या फिर जो जियोथिंकर्स होते हैं उनके द्वारा भी कहा गया कि अब जो जापान है वो अपने आप को सैन्य रूप से काफी ज्यादा सुदृढ़ करेगा, ठीक। अब इसी में जो है बेसिकली इंडिया के द्वारा ये डिसीजन लिया गया। तो आप पूछेंगे सर क्या आपको लगता है कि इंडिया का जो ये डिसीजन है वो सही है, क्योंकि अगर हम देखें इस पूरे के पूरे डिसीजन को तो जापान के लिए हमने किसको सेक्रीफाइस किया इस समय, रशिया को, कि हमने जो है रशिया के साथ आधी ही एक्सरसाइज कंडक्ट की, तो इससे रशिया भी कहीं ना कहीं हर्ट होगा, क्योंकि इंडिया के साथ जो है रशिया हमेशा खड़ा रहता है। जब भी यूएन में जब वीटो की बात आती है तो रशिया हमेशा इंडिया के फेवर में वीटो कर देता है, ठीक ना। तो इस तरीके से इंडिया का रशिया का साथ छोड़ना क्या सही होगा, क्या जापान जो है वो रशिया के बराबर इंडिया की मदद करता है, तो उसका आंसर है हाँ। क्योंकि अगर आप देखें तो इस समय तो 2+2 टॉक होने वाली है, लेकिन इस साल के स्टार्टिंग में ही लगभग जो है जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है फुमियो किशिदा वो आए थे भारत के विजिट पे, ठीक, वार्षिक मीट के दौरान, ठीक ना। तो उस टाइम इनके द्वारा कहा गया कि हम जो है आने वाले 5 साल में जैपनीज जो येन करेंसी है उसका 5 ट्रिलियन जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और साथ ही साथ जैसे आप ये अरुणाचल प्रदेश का अगर आप देख ले सेक्टर, तो यहाँ पर चाइना के द्वारा कुछ लैंड्स को जो है क्लेम किया जाता है, वहीं इंडिया के द्वारा कहा जाता है वो हमारी लैंड है। तो जब वहां पर डेवलपमेंट की बात आती है तो जब इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से इंडिया पैसा मांगता है तो वहां पर जो है चाइना के द्वारा विरोध किया जाता है कि आप इन्हें पैसा ना दो। तो जापान ने बेसिकली बढ़ चढ़ के भारत को जो है लोन दिया कि आप जो है यहाँ पर
डेवलपमेंट करिए, हम आपके साथ हैं। और चीन जो है खुद कर लेता है क्योंकि चीन के पास एक मैसिव इकोनॉमी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए बेसिकली इंडिया ने बीच का रास्ता चुना कि हम जो है बेसिकली रशिया को भी हर्ट ना करें और जापान के भी सेंटीमेंट्स को हर्ट ना करें, और जो है दोनों के दोनों देश जो है हमारे मित्र बने रहें। और अगर देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड में इकलौता ऐसा देश मिलेगा जो कि यूएस और रशिया दोनों के साथ जो है बड़ी से बड़ी ड्रिल्स करता रहता है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार हुई, फिर अक्टूबर में आप देखें तो युद्ध अभ्यास होने वाला है, और उसी बीच रशिया में जो वोस्तोक 2022 है इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया जो है विश्व में एक बहुत ही अलग कंट्री है, इसकी जो जियोपॉलिटिक्स है वो काफी ज्यादा अच्छी है। सो इन सब चीजों को लेकर के मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है, क्या इंडिया को डायरेक्टली पूरी तरीके से रशिया के फेवर में होना चाहिए था, या इंडिया को बेसिकली इस प्रकार से बैलेंस स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए थी कि हम जापान के साथ भी बने रहें और रशिया के साथ भी बने रहें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए सेशन के साथ। धन्यवाद।